नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और बिजनेस आइडिया में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइसक्रीम बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किसके उसके लिए जो है आपको किन कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, और जो है आप किस किस ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी पे जा सकते हैं, और किस तरह से जो है आप सबको लेके अपना खुद का इंडिविजुअल जो है वो पार्लर चला सकते हैं, और कितना बेनिफिट आप उठा सकते हैं, यानी कि कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडिया। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि अभी जो है गर्मी का जो सीज़न है वो तो स्टार्ट हो गया, यानी कि गर्मियां जो हैं वो तो स्टार्ट हो गई हैं, और वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बहुत सारे लोग जो हैं गन्ने के रस वगैरह की तरफ और इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा बिजनेस जो है गर्मियों में करने के लिए मिलता है, वो है आइसक्रीम का बिजनेस। अब आइसक्रीम का बिजनेस जो दोस्तों पहले सिर्फ गर्मियों में ही चला करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, जो कि अभी आइसक्रीम जो है पूरे साल आपको चलक लगती है, पूरा साल इसका कंजम्पशन होता है। पूरे साल में अलग 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 डिज़ाइन से अलग अलग तरीके से जो है आइसक्रीम को बहुत सारे चीज़ों के साथ में मिक्स करके खाया जा रहा है। सो आइसक्रीम का बिजनेस तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आज की डेट में बढ़ रहा है। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि फ्रेंचाइजी बेस पे अगर जाते हैं तो कौन कौन सी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है और वहाँ पे आपको कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगता है। तो सबसे पहले है दोस्तों अमूल आइसक्रीम पार्लर। तो इसकी फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपको मिनिमम 300 स्क्वायर फिट का एरिया चाहिए है, और वहाँ पर आपको जो है 1 से 1.5 लाख रुपया कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको इक्विपमेंट और पूरा जो उसका फर्नीचर वगैरह है वो सब डिज़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप अगर पूरा 1.5 लाख के आसपास जो है अगर पर मंथ का जो आइसक्रीम वगैरह बेच पाते हैं तो वहाँ पे आप जो है महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये जो है आराम से कमा सकते हैं। सो दोस्तों, इसकी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो अमूल की तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसको पूरा देख सकते हैं। सो अगली बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिटी वॉल की फ्रेंचाइजी। तो क्वालिटी वॉल वैसे तो इंटरनेशनल ब्रांड है और जो कि थोड़ा सा महंगा भी है, और यहाँ पे अगर बात करें इसकी फ्रेंचाइजी की लेना है तो आपको मिनिमम जो है 300 स्क्वायर फिट का एरिया चाहिए है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 6 से 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो पूरा कंपनी करके देती है, और यहाँ पर जो है आप 25 से 30 हज़ार रुपया महीना जो है वो कमा पाते हैं। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वाड़ीलाल आइसक्रीम फ्रेंचाइजी की, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। सो यहाँ पे जो है वाड़ीलाल क्योंकि इंडियन ब्रांड है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रेंचाइजीज देता है, तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम 300 स्क्वायर फिट का एरिया चाहिए है, और यहाँ पे आपको 5 से 10 लाख का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है कि इसमें 3 तरह की फ्रेंचाइजी वो प्रोवाइड करते हैं। सो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और यहाँ पे अगर बात करें कमाई की तो यहाँ पे हमारे पास अर्निंग होती है 30 से 35 हज़ार रुपया महीना जो है हम आराम से अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो थे फ्रेंचाइजी बेस की किस तरह से जो है हम फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं और किस किस की फ्रेंचाइजी कितना पड़ती है और क्या अर्निंग होती है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनसे अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा, आप जिस भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोगे आपको उसी ब्रांड का जो है प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो है अपना खुद का इंडिविजुअल पार्लर स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आपको आप जो है इन तीनों का जो है और भी कोई अगर अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है आइसक्रीम के तो आप उन सब से कॉन्टैक्ट करके अपने पूरे पार्लर पे रख सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि हर कस्टमर एक ही ब्रांड को नहीं लाइक करता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग ब्रांड जो है फेवरेट है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इंडिविजुअल पार्लर खोलते हो तो आपके पास सभी ब्रांड की आइसक्रीम्स आप रख सकते हो, तो ऐसे में कोई भी कस्टमर अगर आपके पार्लर पे आता है तो डेफिनेटली उसको उसका ब्रांड का प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाएगा, और आपका जो कमाई जो है एक तो आपको खर्चा उसमें कम करना पड़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, और साथ ही साथ जो है आपका जो इनकम है वो भी ज़्यादा
बेनिफिट हो पाएगा, तो यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो भी कंपेयर टू फ्रेंचाइजी ज़्यादा हो पाएगी। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको आपकी पूरी क्वेरी को सॉर्ट आउट करके दूंगा, हेल्प करूंगा आपको और ज़्यादा जितनी भी मेरे से हो सकती है। सो दोस्तों, वो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बिजनेस आइडिया हम हर वीक एक लेके आते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।